भरतपुर में पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पंचायत समिति सेवर के गांव चितोकरी की बावरिया बस्ती में लखन सिंह और सुंदर चौहान के नेतृत्व में 31,000 रुपए की राशि कोविड-19 मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट की। पर्यटन मंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में सहायता के लिए आगे आने वाले इन युवाओं के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि समाज के वंचित और अभावग्रस्त वर्ग से होने के बाद भी इन युवाओं ने शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को इस योग्य बनाया कि वे दूसरे की सहायता कर सकें। इस पर पर्यटन मंत्री ने युवाओं की सराहना की। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज विराजमान है हमारे बीच, जिला कलेक्टर महोदय, CMHO साहब और डीग की SDM साहिबा सुमन देवी जी, जिन्होंने और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी, सबको तो नहीं बुलाया, मेहनत करके और दिन रात एक करके कोरोना वायरस को, जो भी केसेस आए हैं उनको कंट्रोल किया और मॉनिटरिंग करी, यहां तक कि एक एक जगह जाकर के खुद पर्सनली इन्होंने जो भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनका निरीक्षण किया। पहली बात मैंने इनसे ये भी रिक्वेस्ट करी कि जब आप ऐसे जगह से भी आए, आपने पढ़ाई करी और CRPF में आप नौकरी करते हो, तो वो अन्य लोगों के लिए जागरूकता का कार्य करते हैं। ऐसे समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के समाज में, क्योंकि ये अन्य लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी नौकरियाँ मिले और ये लोग भी समाज में इक्वल प्लेटफॉर्म पर आए और अच्छे से इनकी प्रोग्रेस हो। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं इन समस्त ये जो पांचों व्यक्ति आए हैं, इनके परिवारों को, इनके गांव वालों को और आदरणीय मंत्री महोदय को बहुत